कोविड रोगियों की संख्या में कमी आती देखकर राजस्थान सरकार ने 18 जनवरी से राज्य में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा कर दी है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की कक्षाएं 18 जनवरी से नियमित रूप से चलेंगी। वहीं मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज 11 जनवरी से शुरू होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार देर रात यह घोषणा की है और कहा है कि चिकित्सा संस्थानों के छात्रों को कोरोना वैक्सीनेशन प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा और इसलिए इनकी कक्षाएं जल्द ही शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने यहां समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में रिकवरी दर 96.3% के आंकड़े को छू गई है और कई जिलों में शून्य मामले दर्ज आ रहे हैं और कई जिलों में शून्य मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि बाकी लोगों में स्थिति में सुधार भी चल रहा है। इसलिए हमने 18 जनवरी से स्कूल शुरू करने और 11 जनवरी से मेडिकल कॉलेज खोलने के निर्देश दिए हैं। पहले दिन 50% उपस्थिति को अनुमति दी जाएगी, जबकि शेष आधे को अगले दिन कक्षा में बुलाया जाएगा। शिक्षकों को वायरस के संपर्क से बचने और संक्रमण की जांच करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने से ही सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि 28 नवंबर को रिपोर्ट किए गए सक्रिय कोविड मामलों की संख्या 28,758 थी, जो इस साल 4 जनवरी को घटकर 8,189 हो गई है। जयपुर में मंगलवार को सिर्फ 88 रोगियों का टेस्ट किया गया, जबकि राज्य में कुल मिलाकर 397 मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ब्रिटेन में सामने आए म्यूटेंट के लिए अतिरिक्त सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड ने फिर से लॉकडाउन की घोषणा की है, इसे सबक लेते हुए हमें अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है।